संस्कृति में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का त्योहार गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। उसी श्रृंखला में शहर के कई हिस्सों में आज भी इस ग्रामीण संस्कृति की झलक देखने को मिली, जहां लोगों ने अपनी गायों को सजाकर यह त्योहार मनाया। पुराने की माने तो गौ माता के शरीर में देवताओं का वास होता है। गौ को विष्णु और कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। गौपालक चाहे किसी भी जाति के हो, गोवर्धन पूजा करते ही हैं। इसके अलावा मान्यता है कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, वह भी गोवर्धन पूजा करते हैं, क्योंकि इसका फलाफल भगवान विष्णु से प्राप्त होता है और कृष्ण तो विष्णु के ही अवतार हैं। यह आस्था का सवाल है। वैसे जहां तक दिन की बात है तो सोमवार को 2 बजे दिन तक अमावस्या रहने के कारण उदय तिथि के अनुसार प्रतिपदा मंगलवार मनाई गई। इस समय अनुराधा नक्षत्र और शोभन योग आया था। इसी श्रृंखला में शहर के कई मंदिरों की जगह गौशालाओं या गोपालकों के घर में यह आयोजन किया गया, जहां गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पीले फूल लक्षत चंदन आदि से गोवर्धन पूजा की गई और गायों को नहाकर उनका श्रृंगार किया गया। साथ ही साथ उन्हें चारा खिलाकर यह त्योहार मनाया गया। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज़ नागपुर।